फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं 2+2 बोर्ड की वायरिंग। इसमें दो स्विच और दो सॉकेट होते हैं। ये वाला जो सॉकेट होता है ये इस स्विच से ऑपरेट होता है, और ये वाला सॉकेट जो होता है ये वाला ये इस स्विच से ऑपरेट होता है। तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमें ये वायर ऐसे करके इन दो स्विचों में डालनी है, फिर इसको टाइट कर देना है। ऐसे हमें एक वायर का टुकड़ा लेना है, छील के दोनों ओर से एक को स्विच में डाल देना है। ऐसे करके इसको टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद दूसरा वाला सिरा ये सॉकेट के अंदर जाएगा, एक पिन में जिस पे L लिखा होता है, मतलब लाइन। अब इसको भी हमें टाइट कर देना है। ऐसे हमें एक और टुकड़ा लेना है जो दूसरे सॉकेट में जाएगा। इसको भी ऐसे डाल के स्विच के पेज को टाइट कर देना है। दूसरे सॉकेट में जिस पॉइंट पे L मतलब लाइन लिखा होता है उसमें डाल देना है। इसको भी टाइट कर देना है। दोनों सॉकेटों में लाइन का वायर डल चुका है। अब सॉकेटों में न्यूट्रल की ज़रूरत है। एक ऐसे वायर का टुकड़ा ले लेंगे, को एक तरफ से छील लगा है पहले ही मैंने, इसे दूसरी ओर से भी छील लेंगे। एक सॉकेट में डालना है पहले तो हमें, जिसमें N लिखा होता है न्यूट्रल, मतलब कि न्यूट्रल। इसे टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद इस वाले सिरे को हमें मेन वायर से जोड़ना है। मेन वायर के लिए मैंने ये डोरी ली है। इसमें वाइट वाले को हम न्यूट्रल बना लेंगे, इसके साथ जोड़ के हम दूसरे सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट में इसको टाइट कर देंगे पेज को। हमारे बोर्ड को न्यूट्रल तो मिल चुका है, अब हमें ज़रूरत है फेज़ की। तो फेज़ वाला वायर जो है वो स्विच में जाएगा जहाँ पे मैंने ये वायर लगाई थी, ये वाली। तो इधर डालना है, मैंने पहले ही छोड़ा हुआ था ढीला, तो इधर डाल देना है और इसको टाइट कर देना है। ये हमारे 2+2 बोर्ड का कनेक्शन हो चुका है। इधर से फेज आया, दोनों स्विचों में गया। जब इस स्विच को ऑन करेंगे तो इधर से फेज जाके इसमें सॉकेट के इस पॉइंट में चला जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल इसे पहले से ही मिला हुआ है, और इस वाले पॉइंट को भी न्यूट्रल पहले से मिला हुआ है। और अगर हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो इधर से फेज घूम के जाता हुआ इस सॉकेट के L पॉइंट पे जाके मिलेगा, और हम इसे यूज़ कर सकते हैं अब। ठीक,